हाय गाइस, ऑटो पैशन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अपूर्व। आज हम आए मारुति नेक्सा के शोरूम में। आप पीछे देख सकते हो शोरूम कितना अच्छा लग रहा है। और आज हम इनकी XL6 आए हैं रिव्यू करने के लिए और छोटी सी ड्राइव पे भी चलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, XL6 है आपके सामने, नेक्सा ब्लू कलर में। कितनी अच्छी लग रही है। ये अल्फा प्लस वेरियंट है, 360 डिग्री कैमरा आता है। चलिए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। XL6 एक्सटीरियर की बात करते हैं। फ्रंट में आपको मारुति सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे क्रोम फिनिश में गार्निश मिल जाएगी। कितनी अच्छी लग रही है। ऊपर भी यहाँ पे क्रोम फिनिश दिया गया है। ब्लैक्ड आउट में रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है। नीचे आपको सिल्वर कलर की स्किट प्लेट मिल जाती है। इसके हेडलैम्प देख लेते हैं। फुल आपको LED मिल जाता है। यहाँ पे DRLs मिल जाते हैं, इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे आपको फॉग लैम्प मिल जाता है। यहाँ पे आपको बॉडी कलर में फ्रंट और रेयर बम्पर मिलता है। नीचे ब्लैक्ड आउट के साथ दिया गया है। ये जो ब्लैक क्लैडिंग आप देख रहे हो गाड़ी के चारों तरफ जाती है तो थोड़ा इसको बोल्ड लुक देती है। इसमें आपको 16 इंच के एलॉय व्हील्स आते हैं और MRF के इसमें टायर लगे। टायर साइज़ है 195/60R16। आप इसमें बॉडी कलर ORVMs देख सकते हो। टर्न इंडिकेटर से साथ आता है, इसको फोन अनफोल्ड अंदर से ही आप पढ़ सकते हो। 360 डिग्री इसमें कैमरा आ जाता है, आप देख रहे हैं। इसमें क्रोम फिनिश में चारों डोर हैंडल्स आ जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आपको फ्रंट पैसेंजर डोर और ड्राइवर एंड पे मिल जाता है। ऊपर आपको सिल्वर कलर की रूफ रेल्स मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको फ्यूल कैप मिल जाता है। इस तरफ आप बैक प्रोफाइल एक बार देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही है। और बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश आपको स्ट्रिप मिल जाती है, क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है। यहाँ पे आपको वाइपर मिलता है, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वॉशर, ऊपर शार्क फिन एंटीना, स्पॉयलर बॉडी कलर में, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे क्लियर ग्लास में आपको पीछे टेल लाइट दी गई है। फुल LED सेटअप है, इंडिकेटर है, बैक लाइट है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स हैं, यहाँ पे रिवर्स लाइट है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। बम्पर पे पीछे आपको चार पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और नीचे आपको सिल्वर में स्किड प्लेट मिल जाती है। ब्लैक आउट के साथ भी दिया गया है यहाँ पे ब्लैक पोर्शन, थोड़ा रगड़ लुक देने के लिए। इसके टिंटेड ग्लास आपको मिल जाते हैं। गाड़ी में काफ़ी अच्छा ग्लास एरिया है, काफ़ी बड़ा ग्लास एरिया है इसमें, तो बिल्कुल भी क्लेस्ट्रोप्रोविक आपको फील नहीं होता। एक बार आपको बूट ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है, आप देख सकते हैं। इसमें आप थोड़ी डेप्थ भी बढ़ा सकते हो इसके बूट की। ये सब पैनल्स आप हटा सकते हो, रिमूवेबल हैं ये। अंदर आपको टूल किट मिल जाती है। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। ये आप थर्ड रो इसकी 50-50 में स्प्लिट कर सकते हैं। दोनों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं थर्ड रो में, और थर्ड रो में आपको दो सीट बेल्ट मिल जाती हैं। काफ़ी क्लीन सेटअप कंपनी ने रखा है, कोई भी एक्स्ट्रा वायर्स और अगलीनेस नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है क्या। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। रेयर सीट, सेंटर सीट पे एक बार चलते हैं। इधर का डोर देख लीजिए कितना बड़ा डोर है, कितना ज़्यादा बड़ा ओपनिंग है इसमें। इसमें स्पीकर, यहाँ पे स्पीकर दिया गया है। 1 लीटर का बॉटल स्टोरेज दिया है ग्रैब करने के लिए हैंडल, पावर विंडो, और क्रोम में आपको लीवर दिया है ओपन करने के लिए। ये सीट को आप आगे यहाँ से इस लीवर से पुश कर सकते हैं जिससे आप पीछे एंट्री कर सकें। एक बार पीछे बैठ के आपको मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे आप नी रूम देख सकते हो, मेरा सफिशिएंट मिल रहा है मेरे को। 5'8" मेरी हाइट है, उसके बावजूद ये थोड़ी आगे भी जा सकती है। काफ़ी जगह है आगे, आप देख सकते हो सेंटर रो में। अभी जिस पोजीशन पे ये है मैं वहीं पे सेट कर रहा हूँ, तो उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा मेरे को स्पेस मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे पुश करूंगा, उसके लिए सेंटर वाले जो बंदा बैठेगा उसी को करना पड़ेगा। वो ये पीछे से पुश नहीं हो सकती, आगे की तरफ सिर्फ टंबल हो सकती है। तो आप देख सकते हो मेरे को इजीली मिल रहा है, नी रूम अच्छा मिल रहा है, फुट रूम मेरे को अच्छा मिल रहा है, अंडर थाई सपोर्ट भी डिसेंट है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं थर्ड रो के लिए, आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं दोनों तरफ थर्ड रो में, आपको पीछे एक रीडिंग लैम्प मिल जाता है, आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं चार थर्ड रो के लिए और सेंटर रो के लिए। चलिए सेंटर रो पे चलते हैं। आपको मैं बता रहा था यहाँ से इसको पीछे हम कर सकते हैं। अगर हम इतने पे भी इसको सेट कर लेते हैं तो भी मेरे पास पीछे आप देख सकते हैं सफिशिएंट स्पेस मिल जाएगी।
चलिए एक बार यहाँ बैठ के देखता हूँ। कैप्टन सीट्स इसमें मिल जाती है, इसमें इंडिविजुअल आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, आप 20 से भी एंटर कर सकते हो थर्ड रो में, उसकी भी स्पेस दी गई है। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, नीचे सामान रखने के लिए जगह मिल जाती है। फ्रंट में भी आपको एक छोटा सा सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है ये। एक बार आप डैशबोर्ड का लुक देख लो, ब्लैक्ड आउट में है, स्टोन फिनिश के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। 7 इंच का टच स्क्रीन इसमें मिलता है, डी कट स्टेयरिंग मिल जाता है। अभी आगे चलेंगे, बात करेंगे फ्रंट की। दोनों सीट्स में आपको बैक साइड पे पॉकेट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेदराइट पूरी अपोस्ट्री दी गई है, आइसोफिक्स इसमें आता है। आप स्पेस देख लो सेंटर रूम में कितना ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्मार्ट हाइब्रिड की आप देख रहे हो, यहाँ पे नीचे ये बैटरी लगी हुई है, स्मार्ट हाइब्रिड इसी से काम करेगा। और यहाँ पे आप एसी वेंट्स देख लो, यहाँ से आप एयर फ्लो भी इसका कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा खासा आपको हेड स्पेस मिल जाता है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रैब हैंडल आपको सेंटर रो में भी मिल जाता है, फ्रंट रो में आपको फ्रंट पैसेंजर साइड भी मिल जाता है। एक बार डोर क्लोज करते हैं, आप देख सकते हैं ग्लास एरिया कितना ज़्यादा है इसमें, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कोई भी बैठेगा तो। और हेडरूम का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा है, इस तरफ की भी बिल्कुल सेम कंडीशन है। चलिए फ्रंट पैसेंजर डोर पे चलते हैं। इसमें आपको 4 एयर बैग्स आते हैं, एक फ्रंट आपको पैसेंजर पे मिलता है, एक ड्राइवर एंड पे मिलता है, और दोनों फ्रंट में साइड सीट्स पे मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख लीजिए फ्रंट डोर भी ऐसे ही दिया हुआ है बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन स्टोन फिनिश आपकी कंटिन्यू हुई है जो आपको सीधे डैशबोर्ड से आती है, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। और फुल ब्लैक्ड आउट में दरवाज़ा दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आपको स्पीकर का पॉइंट मिल जाता है, ट्विटर मिल जाता है। यहाँ पे देख लीजिए सीट एग्जैक्टली सेम है, फ्रंट की दोनों वेंटिलेटेड मिलती है। फ्रंट पे आपको 2 सीट बेल्ट्स का ऑप्शन मिलता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, 5+1 रिवर्स। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिलता है और छोटा सा स्टोरेज आपको अंडर आर्मरेस्ट मिल जाता है। अभी हम ड्राइव पे चलेंगे तब भी बात करेंगे आगे की। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स के बटन दिए हुए हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दिया है, USB पॉइंट दिया है। यहाँ पे आपको छोटा सा स्टोरेज दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लब आई थिंक कप होल्डर्स दिए हैं, और यहाँ पे आपको वेंटिलेशन भी दिया हुआ है, ये आप जो देख रहे हैं नेट, यहाँ पे वेंटिलेशन आपको दिया हुआ है। तो आप अपना कोई भी ड्रिंक रखते हो या बॉटल रखते हो तो यहाँ पे आप ठंडी कर सकते हो। छोटा सा यहाँ पे स्टोरेज दिया हुआ है ग्लव बॉक्स में। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा था स्टोन फिनिश दी हुई है, सिल्वर का भी काम किया है, तो ब्लैक स्टोन फिनिश एंड सिल्वर 3 टोन में फिनिश किया है। यहाँ पे आपको हजार्ड लाइट का बटन मिल जाएगा, आपको 7 इंच का टच स्क्रीन मिल जाएगा, मैनुअल आपको IRVM मिलता है। इधर का देख लेते हैं, आपको वैनिटी मिरर के साथ मिलता है पैसेंजर साइड पे सनशेड, और ड्राइवर एंड पे भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। ड्राइव पे जाने से पहले एक बार आप देख लीजिए ड्राइवर एंड का, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। इधर आपको तीनों पावर विंडो के ऑप्शन मिल जाते हैं, पावर विंडो का किल स्विच मिल जाता है, लॉक अनलॉक का बटन मिलता है, यहाँ पे ऑटो फोल्ड अनफोल्ड का बटन मिल जाता है, क्रोम में लीवर मिलता है, वाटर रखने की स्पेस मिल जाती है, हाइट एडजस्ट कर सकते हो आप मैनुअली ड्राइवर एंड पे, और नीचे आपको 3 पेडल्स मिल जाते हैं, क्लच ब्रेक एंड एक्सीलेटर, और आपको डेड पेडल मिल जाता है लेफ्ट में, यहाँ से आप फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे 360 डिग्री का आप व्यू देख सकते हैं, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, इंजन स्टार्ट और स्टॉप का बटन मिल जाता है। चलिए एक बार आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लीजिए, क्योंकि ड्राइव करते समय मैं ये दिखा नहीं पाऊंगा आपको। आप देख रहे हो छोटी सी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बीच में आ जाती है, बाकी दोनों एनालॉग दिए हैं, काफी अच्छा लग रहा है, मॉडर्न और रेट्रो लुक को मिला के दिया है कंपनी ने इसमें। इधर आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे फ्यूल गेज मिल जाएगा, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर गेज मिल जाएगा, और ये आपको RPM मीटर मिल जाएगा। फैन स्पीड थोड़ी कम कर देते हैं, यहाँ पे आप देख लो इसका टच स्क्रीन। हाय, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? कॉल अमित। No phones connected. Please connect and try again. Goodbye for now. आप देख रहे हो इजिली कमांड्स ले रहा है ये। चलिए अब ड्राइव पे चलते चलते बात करते हैं।
मिल जाएगी। आपने देखा कितने टाइट सिचुएशन से भी गाड़ी इजीली निकल गई, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। कभी कभी इतनी बड़ी गाड़ी को अकेले निकालने में दिक्कत हो ही जाती है, सपोर्ट लेना पड़ता है। गाड़ी का इनिशियल पिकअप काफी अच्छा है, ₹102 PS की इसकी मैक्सिमम पावर है और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क। आज हम इसका मैनुअल ट्रांसमिशन चला रहे हैं, ऑटोमेटिक अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो वो भी आज ही चला लेते। फ्रंट में यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा देता है, रेंज दिखा देता है। यहाँ पे आपको राइट साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है और स्टेयरिंग पे आपको यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ से कॉल पिक एंड ड्रॉप वॉइस कमांड आप दे सकते हैं। सेंटर में आपको हॉर्न सेक्शन मिलता है, सुजुकी का लोगो लगा हुआ है। लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, डीकट मिल जाता है, सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। गियर शिफ्टिंग काफी इजी हो रही है इसकी एंड जो मेरे को स्टीयरिंग व्हील का रिस्पांस है काफी अच्छा है और काफी मुझे प्लांटेड लग रहा है। प्लांटेड का मतलब है कि मैं फील कर सकता हूँ, ऐसे बहुत ही लाइट वेटेड नहीं है कि हाँ कि आप घुमा रहे हो और पता भी नहीं चल रहा आपको। मैंने फ्रंट अपनी ड्राइवर सीट का वेंटिलेशन भी ऑन कर दिया है, ये भी काफी इफेक्टिव है, तुरंत पता चलता है आपको। आई थिंक इस बजट में जो ये अल्फा प्लस मैं आज चला रहा हूँ, इसका एक शोरूम प्राइस 13,16,000 रुपीज़ है और ऑन रोड प्राइस लखनऊ में आपको 15,02,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगी। और इस प्राइस पे ये ऑलमोस्ट टॉप है और इसके ऊपर सिर्फ अल्फा में डुअल टोन आता है, अल्फा प्लस डुअल टोन आता है, तो ये सिंगल टोन में है। एंड इस प्राइस पे फ्रंट में दोनों वेंटिलेटेड सीट्स दे देना, ये काफ़ी कमेंडेबल बात है। और मतलब वाकई और कोई मुझे अभी ब्रांड याद नहीं आ रहा जो इस प्राइस पे 13 लाख के प्राइस ब्रैकेट में आपको मिल जाता है वेंटिलेटेड सीट्स, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। चलाते वक्त आप काफ़ी अच्छी कमांडिंग पोजीशन पे बैठते हो, आपको फ्रंट का बोनट जो है वो दोनों एंड आपको लेफ्ट एंड राइट दिखाई देते हैं और काफ़ी अच्छी हाइट पे आप बैठते हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत कोई नीची गाड़ी पे बैठे हो। तो बिल्कुल आपको SUV और MUV का मल्टीपर्पज़ काम है इस गाड़ी का, आप इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। आपकी थर्ड रो आपकी फोल्डेबल हो जाती है 50-50 में, आप फुल आप फोल्ड कर सकते हो। अगर पास ज़्यादा लगेज है और आप सिर्फ 4 या 2 ही लोग जा रहे हो गाड़ी में तो सेंटर में आपको कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं विद आर्मरेस्ट मिल जाते हैं इंडिविजुअल। एंड फर्स्ट में आपको जो दोनों रोज आपको वेंटिलेटेड मिल जाती हैं। आप देख रहे हो मेरे सामने समय ट्रैफिक है अच्छा खासा एंड इस गाड़ी को ले जाना और इस गाड़ी को चलाना कितना इजी है। थोड़ा इसको भगा के भी देखेंगे कि इसकी 102-103 PS की पावर क्या सफिशिएंट है इस गाड़ी के लिए। इस समय गाड़ी में 2 लोग बैठे हुए हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली जो भी इस गाड़ी को लेगा तो ऑलमोस्ट वो
चार से पांच लोग तो मिनिमम इसमें ड्राइव करेंगे, या कभी कभार दो से तीन लोग भी ड्राइव कर सकते हैं इस पे, कि अकेले आदमी के लिए इतनी बड़ी गाड़ी का कोई मतलब नहीं बनता, आदमी इसको एज अ फैमिली कार ही लेता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छा है, आई थिंक 180 प्लस है। मारुति ने जब से स्मार्ट हाइब्रिड निकाला है तब से एवरेज की भी कोई कमी नहीं है मारुति की किसी भी गाड़ी में। देख सकते हो एसी ऑन है, उसके बाद भी मैं इसको काफी अच्छे से पुल कर रही है गाड़ी। सबसे अच्छा तो मुझे इसका एक पोजीशन लग रहा है, जिस पोजीशन पे मैं बैठा हूँ इसकी आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो ड्राइवर साइड की सीट की। गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से पुल कर रही है, एसी भी काफी अच्छा वर्क कर रहा है, एयर थ्रो काफी अच्छे मिलते हैं इसमें। इसमें पीछे की सीट्स के लिए आपको रूफ पे दिया गया है एसी वेंट, फ्रंट में भी आपको चार एसी वेंट्स मिलते हैं काफी जल्दी। अभी इसने चिल कर दिया है पूरे एरिया को, आप देख सकते हो बॉडी रोल बहुत ही कम है, काफी ट्विस्टी रोड्स पे आए हैं आज हम। सस्पेंशन भी ठीक काम कर रहे हैं, कोई भी आपको अलग से नॉइज नहीं सुनाई दे रही है। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील होने की वजह से इसका हैंडलिंग भी काफी अच्छा है, काफी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। टर्निंग रेडियस भी इसका ज्यादा नहीं है। आप देख रहे हो कि 6-7 सीटर जितनी बड़ी गाड़ी को चलाना कितना इजी है, मारुति ने बहुत ही अच्छा काम किया है इस चीज पे। एसी काफी अच्छा वर्क कर रहा है, ज्यादा लो टेम्परेचर मुझे पसंद नहीं है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है तो, और डायरेक्ट एसी की हवा भी मुझे पसंद नहीं है। ब्रेकिंग भी काफी अच्छी है, आपको फ्रंट छोटी एमआईडी पे आपको गियर शिफ्टिंग भी दिखा देता है। हम टर्न पे हैं और स्पीड हमारी 60 प्लस चल रही है। गाड़ी का कंट्रोल काफी अच्छा है, फ्रंट में जहाँ पे मैं बैठा हूँ अभी तो मुझे ज्यादा इसका बॉडी मूवमेंट नहीं पता चल रहा, मैं भी थर्ड रो पे ज्यादा पता चलता हूँ। आप बताना किसी के पास एक्सल 6 हो तो वो कैसी चल रही है और कैसा फील आता है आपको हाई स्पीड्स पे। इसमें लेन चेंज करना काफी इजी है, काफी इजीली मैं मैनूवर कर सकता हूँ इसको लेफ्ट एंड राइट में। मुझे बहुत मजा आ रहा है इसको चलाने में, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी गाड़ी इस तरह ड्राइव करती है। अभी ज्यादा हमें खाली रोड्स नहीं मिल रही तब भी मैं इसको 80 तक ले जा चुका हूँ। आपने देखा सस्पेंशन अभी स्पीड ब्रेकर पे कितने अच्छे काम कर रहे थे, कोई भी दिक्कत नहीं है, डिसेंट साइज है, 16 इंच का इसमें अलॉय व्हील्स दिया हुआ है, एमआरएफ के टायर्स आ जाते हैं इसमें। इसकी की देख लीजिए, दो स्मार्ट कीज मिलती हैं, बेसिक कीज हैं, लॉक अनलॉक का बटन है। आप अपने कमेंट्स करने बिल्कुल मत भूलिएगा कि आज का आपको वीडियो कैसा लगा, आज की ड्राइव आपको कैसी लगी, ये ड्राइव के ड्यूरिंग में आप क्या और जानना चाहते हो और
क्या आपको मेरे वीडियोस में अच्छा लगता है, खराब लगता है, वो भी आप मेरे से शेयर कर सकते हो। मुझे कमेंट करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप कमेंट कर सकते हो। मैंने अपनी मेल आईडी भी दी हुई है, वहाँ पे भी आप मुझसे कोई भी क्वेरी हो किसी भी गाड़ी के बारे में तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी और मारुति का प्रोडक्ट, किसी और भी ब्रांड का प्रोडक्ट तो मैंने कवर किया हो नहीं किया हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप कोई गाड़ी लेने जा रहे हो तो वो मेरे से पूछ सकते हो। एक बार इसका इनिशियल पिकअप देख लेते हैं, कैसी चलती है, कैसे उठती है। एसी ऑफ कर देते हैं। काफी अच्छा पिकअप है, कहीं पे भी पावर लैग नहीं मिल रहा, ब्रेकिंग भी काफी अच्छी है। मुझे तो एक्सेल 60 ड्राइव ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया। आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा कौन सी आप मारुति की गाड़ी देखना चाहते हो, इसको मैं ड्राइव पे लेके जाऊँ या रिव्यू करूँ, या इसके अलावा आप कौन सी गाड़ी चाहते हो कि मैं रिव्यू करूँ जो अभी तक मैंने नहीं करी है, मुझे ज़रूर बताइएगा, चाहे वो बाइक हो चाहे कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ। और आज के वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स मैं कहना चाहता हूँ मेगा मोटर्स को, गोल मार्केट महानगर लखनऊ, जिन्होंने हमें गाड़ी प्रोवाइड कराई टेस्ट ड्राइव के लिए। मिलते हैं जल्दी, बाय।